नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नगर परिषद के प्रधान पद की टिकट इस बार महिला के लिए आरक्षित हुई है, तभी से भाजपा महिला उपाध्यक्ष ज्योति सैनी का नाम चर्चाओं में है, जो इस समय वार्ड नंबर 22 से पार्षद भी हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं ज्योति सैनी जी आपका। नमस्कार जी। ज्योति सैनी जी, आप ये बताएं कि इस बार 50% भागीदारी, 50% भागीदारी इस बार महिलाओं के लिए रखी गई है, तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आपको लगता है इस पर? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें पुरुषों के बराबर में हक मिला है। तो मैं इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ओपी धनखड़ जी हैं, जो बहुत ही सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। और हमारे सांसद जी बहन कमलेश ढांडा जी, सभी हमारे पार्टी के अंदर एक से बढ़कर एक हीरे हैं। तो मैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारे माननीय भाई अशोक गुज्जर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं। यदि आपको पार्टी इस बार मौका देती है नगर परिषद के चुनाव का, तो क्या आपकी कितनी तैयारियां हैं चुनाव के लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेतृत्व मुझ जैसी कार्यकर्ता को कैथल सरकार नगर परिषद के सेवा का मौका देती है, तो मैं ज़रूर से इलेक्शन लड़ूंगी और इसके लिए मेरी पूरी तैयारी है। जी ज्योति सैनी जी, आपको लगता है कि जैसे कि वार्ड के इस समय पार्षद हो और नगर परिषद की टिकट आपको मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि शहरवासी आपको सहयोग देंगे? देंगे तो वो क्यों देंगे, ऐसा आपने क्या किया है? बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ में बहुत सारे विकास के कार्य करवाए हैं। और मेरे भी वार्ड के अंदर काफ़ी कार्य हुए हैं, जो काफ़ी सालों से गहरे 10-10 फुट के गड्ढे थे, वो भी भरवाने का काम किया है। और ये तो थोड़ी सी नगर परिषद के अंदर खींचातानी की वजह से थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है। बाकी मेरे वार्ड में मोस्टली सभी काम मैं करवा चुकी हूँ और शहर में भी काफ़ी काम हुए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों पर और मैं सभी लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ। तो सभी मेरे को यही बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जी, एक बड़ा सवाल आपकी पार्टी पर ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है, ये इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ कार्य कर रही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कम समय में काफ़ी कुछ पाना चाहते हैं और वो धैर्य नहीं रखते, इसी वजह से ये बात होती है, बाकी ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। जी ज्योति सैनी जी, यदि आपको शहरवासी जिम्मेदारी देती हैं, तो आप क्या क्या काम करवाएंगे? सबसे पहले तो नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मैं उसको दूर, जड़ मूल से दूर करना चाहूँगी। और उसके बाद में जो नगर परिषद में जो जटिलीकरण से कार्य हो रहे हैं, उसको सरलीकरण में बदलने का काम करूँगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और जो पार्षद बनेंगे उन सबके साथ मिलकर के हमारे शहर के सौंदर्यकरण का कार्य मैं करना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी को मैं अपनी माँ मानती हूँ और यही मैं सर्वोपरि मानती हूँ, मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ। तो ये थी हमारे साथ ज्योति सैनी जी, जो इस समय चर्चाओं में बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है। अब देखना यही है क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ज्योति सैनी का नाम इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। आप बने रहे अब हमारे साथ, मैं हूं कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ सन्नी प्रजापति।